Good morning class 3rd. This is our translation book. Translate with perfection for class 3rd. So students, last class में हमने interrogative sentences बनाने सीखे थे. तो आप सभी ने अच्छी कोशिश की है. Well, good. और आगे से थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, ठीक है ना. सभी बच्चों ने अच्छा किया है. संचित दक्षित ने एक एक सेंटेंस स्किप किया हुआ था. तो बेटा, आपको आए तो भी ठीक और नहीं आए तो भी ठीक, पर आपको सेंटेंस ट्राई जरूर करना है. ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे. ब्लैंक छोड़ने का तो मतलब हुआ पहले ही हिम्मत हार गए हैं. तो ऐसे छोड़ना नहीं है. गलत आए, जैसा भी आए, जो आए आपको वो बनाना है और पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है ना. तो खुद से लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, क्लियर है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर वॉज वर से पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के साथ आएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, क्लियर है. तो डिस्कस करते हैं सेंटेंसेस. ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. तो सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वह कक्षा में थी. तो देखो, सेंटेंस बनाने का तरीका देखेंगे. सबसे पहले क्या होगा, तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, क्या वह कक्षा में थी. तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क्या को हटा देंगे. पहले तो इसे सिंपल सेंटेंस ही उतार लो, वह कक्षा में थी, ये बना सेंटेंस. अब हम इसे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा क्योंकि ये तो सिंपल सेंटेंस है. वह कक्षा में थी, सेंटेंस क्या बन जाएगा, She was in the class. ठीक है. अब मैंने इसी सेंटेंस को क्वेश्चन बना दिया और पूछ लिया, क्या वह कक्षा में थी. अब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. और अब क्या सेंटेंस बनेगा, ये जो वॉज था ये आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, यानी कि शी से पहले आ जाएगा. तो क्या बनेगा, वॉज को आगे निकाल लेंगे, वॉज शी इन द क्लास और अब लगेगा क्वेश्चन मार्क. तो वो शी इन द क्लास, इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, क्लियर है. तो देखते हैं आगे वाले सेंटेंसेस. ये सेंटेंस भी हम एक बार पहले बुक में फिल करेंगे, क्या वह कक्षा में थी. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, वॉज शी इन द क्लास. नेक्स्ट, क्या वह एक दुल्हन थी. तो पहले हम वह एक दुल्हन थी इसको देख लेंगे, शी वॉज अ ब्राइड. और अब वॉज को आगे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वॉज शी अ ब्राइड, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में. नेक्स्ट, क्या पपीता मीठा नहीं था. तो क्या हटा के सीधा देखेंगे, पपीता मीठा नहीं था, पपाया वॉज नॉट स्वीट. और फिर वॉज को आगे ले जाएंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा, वॉज पपाया, पी ए पी ए वाई ए, वॉज पपाया नॉट स्वीट. नेक्स्ट, क्या मगरमच्छ नदी में था. तो क्या को हटा के देखेंगे, मगरमच्छ नदी में था, द क्रोकोडाइल was in the river. और जब क्या को was को आगे लेके आ जाएंगे तो क्या बनेगा, was c r o c o d i l e, was crocodile in the
रिवर, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तोता लाल था, तो क्या को हटा देंगे, तोता लाल था, द पैरेट वॉज रेड, और जब दा को आगे सॉरी क्या को आगे ले जाएंगे तो बनेगा वॉज द पी ए डबल आर ओ टी, वॉज द पैरेट रेड, आर ई डी रेड। क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, रवि कब अनुपस्थित था, तो अब देखो सेंटेंस के बीच में आया है, और जब हमें सेंटेंस के बीच में ये कब पूछ लिया तो हमें इसका आंसर देना पड़ेगा, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, आखिर वो अब्सेंट कब था। तो अब हम सेंटेंस कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, ठीक है ना। रवि कब अनुपस्थित था, तो रवि अनुपस्थित था, रवि वॉज अब्सेंट, तो रवि कब अनुपस्थित था, तो क्या हो जाएगा, When was Ravi absent? तो सेंटेंस क्या बनेगा, When was Ravi, नेम है तो कैपिटल आएगा, Ravi A B S E N T absent और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, क्या वह तुम्हारा रिश्तेदार था, तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, आपको यस और नो में आंसर करना है, तो सीधे हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे। वह तुम्हारा रिश्तेदार था, ही वॉज योर रिलेटिव, और जब क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे तो क्या ऐसे सेंटेंस बनेगा, वॉज ही योर रिलेटिव क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या पक्षी पेड़ पर थे, तो या तो आप हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, तो क्या को हटा देंगे, पक्षी पेड़ पर थे, द वर्ड्स वर ऑन द ट्री, और क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, वर द बर्ड्स ऑन द ट्री, तो क्या लिखेंगे, वर द बी आई आर डी एस बर्ड्स ऑन द ट्री। नेक्स्ट, क्या वे पागल थे, क्या को हटा देंगे, वे पागल थे, दे वर मैड, और जब क्या लगाएंगे तो आ जाएगा वर दे मैड। नेक्स्ट, क्या तुम उसके साथ नहीं थे, तो क्या को हटाएंगे, तुम उसके साथ नहीं थे, यू वर नॉट विथ हिम, और वर को आगे निकाल देंगे तो क्या बनेगा, वर यू नॉट विथ हिम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट, क्या तुम उसके पड़ोसी थे, क्या को हटाएंगे, तुम उसके पड़ोसी थे, यू वर हिज नेबर, और क्या है तो आगे लगाएंगे वर यू हिज नेबर, एन ई आई जी एच बी ओ यू आर नेबर। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखेंगे, क्या खिलाड़ी मैदान में थे, तो क्या हटा देंगे, खिलाड़ी मैदान में थे, और क्या बन जाएगा, खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, प्लेयर्स, प्लेयर्स वर इन द ग्राउंड, और वर को आगे निकाल देंगे तो वर पी एल ए वाई ई आर एस वर प्लेयर्स इन द ग्राउंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, क्या वे साफ कपड़े नहीं थे, तो क्या को हटा देंगे, वे साफ कपड़े नहीं थे, तो देखो सभी बच्चों ने क्या किया हुआ है, वर दोज नॉट क्लीन क्लोथ्स, तो इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से एक बार सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस है हमारे पास,
क्या वे साफ कपड़े नहीं थे? और सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्या को हटा देंगे सिंपल अगर हमें सेंटेंस देखना हो, वे साफ कपड़े नहीं थे। दोज वर नॉट क्लीन क्लोथ्स, दोज वर नॉट क्लीन क्लोथ्स, ऐसा सभी बच्चों ने लिखा है जिसको हमने ठीक कर दिया, जिसको मैंने ठीक किया है। बट ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना? तो ये सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाएगा। साफ कपड़े एक साथ है तो सभी बच्चों ने क्लीन क्लोथ्स लिख दिया, बट ये इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसका सही तरीका क्या होगा? दोज क्लोथ्स वर नॉट क्लीन, क्लियर है? दोज क्लोथ्स, वे साफ कपड़े नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे? दोज क्लोथ्स वर नॉट क्लीन, वे साफ कपड़े नहीं थे। और जब हम क्या लगाएंगे तो वॉज या वर आ जाएगा आगे, तो कैसे बनेगा? वर दोज क्लोथ्स नॉट क्लीन, और साथ में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो बच्चों हमने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कपड़े, वे कपड़े, ठीक है ना? सब्जेक्ट तो कपड़े है, और साफ करना तो क्या है, एक्शन हो गया, ये तो वर्ब हो गई। और हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट, इसीलिए ये तरीका गलत है। आपको सेंटेंस कैसे बनाना है, दोज क्लोथ्स वर नॉट क्लीन, और जब पूछ लिया क्या, तो हम वर को या वोज को आगे ले जाएंगे, और सेंटेंस कैसे बनेगा, वर दोज क्लोथ्स नॉट क्लीन। आई होप अब आपको ये सेंटेंस क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे साफ कपड़े नहीं थे? तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, वर दोज क्लोथ्स नॉट क्लीन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, वर दोज क्लोथ्स नॉट क्लीन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वे घर पर थे? तो क्या हटा देंगे, वे घर पर थे, दे वर एट होम, और वर आगे आ गया तो क्या बन जाएगा, वर दे एट होम, क्लियर है? तो ये हुए हमारे सेंटेंसेस कंप्लीट। तो संचित दक्षित, आई थिंक आपने टेंस सेंटेंस को स्किप किया हुआ था, ये छोड़ दिया था, तो इस सेंटेंस को फिल करेंगे। दूसरा जो हमारा 13 सेंटेंस है, ये ऑलमोस्ट सभी बच्चों का गलत है। सभी बच्चों ने क्लोथ्स साफ कपड़े, तो क्लीन क्लोथ्स एक साथ लिया था, जबकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स या कपड़े, तो उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को आप ठीक करेंगे, सभी नोटबुक में लिखेंगे इस सेंटेंस को, ठीक है ना? नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वॉज ही अ गोल्ड स्मिथ, तो गोल्ड स्मिथ क्या होता है, सुनार, तो सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज अ गोल्ड स्मिथ, वह एक सुनार था। तो अब आगे वॉज लग गया तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्या वह एक सुनार था, क्वेश्चन मार्क,
क्या वह एक सुनार था? तो ये हो गया क्वेश्चन। होमवर्क रहेगा आपकी ये पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट से लेके 14 तक सभी सेंटेंसेस पेज नंबर 16 के, ठीक है ना। हिंदी में ट्रांसलेट करना है एक्सरसाइज को, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।